हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीषा बिंद्रा ब्लॉग। आज हम आए हैं मैसूर दशहरा एग्जीबिशन देखने। मैसूर का दशहरा बहुत ही फेमस है, सो ये मैसूर का दशहरा देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की एंट्री फीस बच्चों की 20 रुपये और बड़े लोगों की 30 रुपये है। तो अब हमने टिकट चेकिंग के बाद एंट्री कर ली और अभी शाम है तो फ़िलहाल ऐसे दिख रहा है। जब रात होने लगती है तो लाइटिंग वाइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, पैलेस बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इधर सामान की दुकानें थी, जैसे कपड़े हो गए, टॉयज़ हो गए, खिलौने, बैग, स्लीपर्स वगैरह, इधर ये सारी चीज़ें मिल रही थी। बाकी दूसरे साइड झूला वगैरह है सब। इसमें मैसूर के सारे जितने भी टूरिज्म प्लेस हैं उसके बारे में मतलब बताया गया है। ये सारी फ़ोटोज़ जो हैं, तस्वीरें मैसूर के टूरिज्म प्लेस की हैं और यहाँ के कल्चर के बारे में भी दिखाया गया है। अब रात हो गई है, अब धीरे धीरे लाइटिंग शुरू हो रही है। अब नज़ारा बहुत ही सुंदर होगा, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। Thank you.
के पीछे चामुंडी हिल का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेलकम लिखा हुआ दिख रहा है लाइटिंग के थ्रू, तो वो बहुत ही दूर है। यहाँ से पैलेस का गुंबद भी दिख रहा है, ये लाइटिंग की वजह से पता चल रहा है। तो हम झूला झूल लिए और इसके बाद अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, अब जाएंगे पैलेस देखने, मैसूर पैलेस। तो अब हम जा रहे हैं पैलेस की तरफ। वाओ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल, पूरा पैलेस लाइट से जगमगा रहा है। मैसूर पैलेस को अंबा विलास महल के नाम से भी जानते हैं। हमने पैलेस भी देख लिया और अब हम निकल गए घर के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।